हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल 1 क्वेश्चन 21 to 30। लेट्स स्टार्ट बाय क्वेश्चन 21। 21 में हमें क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.018 ml, देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास सबसे पहले एक ड्रॉप वाटर का वॉल्यूम दिया गया है, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। तो अपन यदि मास निकालेंगे किसका, ड्रॉप ऑफ वाटर का, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस फॉर्मूला से हमारे पास मास आ जाएगा, मास ऑफ 1 ड्रॉप वाटर जो होगा वो जाएगा 0.0018 ml मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम पर ml, ये हो जाएगा 0.0018 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप का मास ये है, तो 2 ड्रॉप्स का मास कितना हो जाएगा, 2 ड्रॉप्स मास मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0018 विच इज इक्वल टू 0.0036 ग्राम, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, जिसे आप 36 × 10⁻⁴ ग्राम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन मोल्स ऑफ ड्रॉप अपन पूछे, मोल्स ऑफ ड्रॉप्स, तो 36 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई अपने पास एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, 18 ग्राम, यहाँ पर 18 ग्राम ये है, नंबर ऑफ मोल्स इससे आ जाएंगे, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2 × 10⁻⁴ मोल्स, कि हमारे पास 2 ड्रॉप्स वाटर मॉलिक्यूल में कितने मोल अवेलेबल है, 2 × 10⁻⁴ मोल, 2 × 10⁻⁴ मोल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ × 6.02 × 10⁻², तो ये कैलकुलेट करेंगे आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.046 × 10⁻¹⁹, तो ये हमने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन ए में अपने को दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इट इज नोन दैट एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अज्यूम्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वेयर इज दैट ऑफ प्रोटॉन इज अज्यूम्ड टू बी ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 विल बी। तो हमारे पास सबसे पहले अपन देखें कि कार्बन 14 में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन देख लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, यानी 14 - 6 यानी इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर दिए हुए हैं, अब अपने को न्यू कंडीशंस के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन इज अज्यूम्ड टू बी ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू 6 थी, उसका ट्वाइस यानी 12। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, ओरिजिनल हमारे पास 8 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, मास नंबर यहाँ पे हो जाएगा 12 + 4 = 16, या और यहाँ पर अपने पास मास नंबर क्या था, टोटल मास आप कह सकते हैं 8 + 6 = 14, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है 2 यूनिट्स का, तो यदि अपने को निकालना हो कि परसेंटेज इंक्रीज इन मास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ज़्यादा ही होगा, तो 16 - 14 कि इन दोनों के मास का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/14 × 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14.28% हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगी, मोर होगी, कि हमारे पास न्यू कंडीशन के बेसिस पे हमारा जो मास था वो क्या था, बढ़ रहा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेंड फ्रॉम सी वाटर कंटेंस 8.775% NaCl by mass, the number of formula units of NaCl, formula units of NaCl meaning NaCl molecules कितने present होंगे 25 gram salt में,
तो हमारे पास सबसे पहले इसका वेट निकाल लेते हैं कि अपने पास मास ऑफ NaCl इन सैंपल, मास ऑफ NaCl इन सैंपल या सी वाटर से जो अपने पास ऑब्टेन हुआ है वो 8.775% होगा। तो 25 ग्राम का आप क्या कर लीजिए, 8.775% निकाल लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.193 ग्राम। ये हमारे पास NaCl का मास आ जाएगा सी वाटर से अपने जो सॉल्ट ऑब्टेन किया है उसमें। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ NaCl निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaCl। तो इसके लिए आप 2.193 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट करेंगे। NaCl का मोलिकुलर वेट आपको निकालना है, तो सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 58.5, जिससे अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.193 डिवाइडेड बाई 58.5, ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ठीक, बट यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, फॉर्मूला यूनिट्स जस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, आयनिक कंपाउंड्स के लिए अपन यूज करते हैं इस वर्ड को, फॉर्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.193 डिवाइडेड बाई 58.5 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आप, 2.193 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23। तो हमारे पास सॉल्व करने पे ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 to the power 22। जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहे हैं ये अपने को देखना है, 2.25 इंटू 10 to the power 22, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का यहाँ पे मोलिकुलर मोलर मास 342.3 ग्राम दिया गया। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास यदि 1 मोल सुक्रोज हमारे पास है C12S22O11, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास 22 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज, मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालने के लिए क्या करेंगे, मास गिवन है 25.6 ग्राम डिवाइडेड बाई अपन क्या कर देंगे 342.3, इसके मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.0747। ठीक है, तो हमारे पास इतने मोल हैं जिसके रेस्पेक्ट में अपने को हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं। तो 1 मोल के केस में 22 मोल है, तो यदि यहाँ पे 0.0747 मोल सुक्रोज अपन ले लें तो उसके केस में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.747 यहाँ पर मोल हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ठीक है, अब यदि हाइड्रोजन एटम जितने मोल है टोटल एटम्स की बात करेंगे, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.747 इंटू Na एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पे 22 0.747 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो इसको अपन आप फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.91 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कैफीन हैज ए मोलिकुलर वेट ऑफ 194, हमारे पास कैफीन एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है अपने पास 194। इसमें से अपने को बोला गया है कि 29.9% बाय मास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो लेट से अज्यूम कर लेते हैं अपन, अज्यूम एक्स एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। तो हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे होगा, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कि हमने पास एक मोल में एक्स एटम्स होंगे, तो लेट से एक्स और उसका मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई जो कैफीन मोलिकुलर उसका ओवरऑल मोलिकुलर वेट, तो हमारे पास 194 इंटू 100, ये इसका मास परसेंटेज हो जाएगा, जो कि कितना दिया गया है, जो दिया गया है 28.9%। यहाँ पर अब अपने को x फाइंड करना है, कितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर x को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना था कि नाइट्रोजन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना था, उसके लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत, नाइट्रोजन का मास कितना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई एटोमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल वेट इंटू 100 विच इज गिवन 28.9। ठीक है, नेक्स्ट है 26, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास दिया गया है 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने को क्या पता करना है, यहाँ पे अपने को पता करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो मास होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1H2O मॉलिक्यूल, 1H2O मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 एटॉमिक मास यूनिट। कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 1 × 2 ऑक्सीजन 16, ये हो जाएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसको यदि अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, या आप लिख सकते हैं 1/NA ग्राम। यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल H2O का मास हो गया और इसकी डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो मास अपने पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा 18 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। और डेंसिटी हमारे पास क्या दी हुई है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, बट ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रही थी, तो ये भी डिनोमिनेटर में होगा तो ये चेंज हो जाएगा यूनिट, यहाँ पर ये ml by ग्राम हो जाएगा जब ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पे ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर यूनिट बच जाएगी। और इसको यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2.988 × 10⁻²⁷ ml। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहाँ पर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 में बोला गया कि हमारे पास एक पीस ऑफ गोल्ड फॉइल दिया गया जिसके डायमेंशंस 25, 40 और 0.25 mm है। इसकी डेंसिटी हमारे पास 19.32 ग्राम पर cm³ दिया गया है और हाउ मेनी गोल्ड एटम्स पूछा गया है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पर डायमेंशन दी गई है, तो इससे अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड फॉइल। तो हमारे पास वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, जो भी हमारे पास यहाँ पर 25 × 40 × 0.25 ये मिलीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 mm³, जिसे आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 250 × 10⁻³ कि 1 m³ इज इक्वल टू 10⁻³ cm³ हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अपने को यदि मास निकालना है तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कर देंगे, तो हमारे पास मास ऑफ गोल्ड फॉइल यदि अपन निकाल पाते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे पास वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया 19.32 ग्राम पर cm³ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इससे हमारे पास मास ऑफ गोल्ड फॉइल आ जाएगा 4.83 ग्राम। अब अपने को मास ऑफ गोल्ड फॉइल आ गया है तो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स निकालने, तो उसके लिए पहले मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ गोल्ड एट, तो मोल्स ऑफ गोल्ड फॉइल हमारे पास क्या हो गया, ये मास दिया गया डिवाइडेड बाई अपने पास गोल्ड का एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है, तो हमारे पास 4.83 / 197 ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपने को नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स आइडेंटिफाई करना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए इन नंबर ऑफ मोल्स को ही आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल में हमारे पास एन ए एंटिटीज़ होती हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 4.83 अपॉन 197 इंटू 6.02 इंटू 10^23। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 1.47 इंटू 10^22, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इफ एवरेज मोलर कल वेट ऑफ एयर इज 29, देन अज्यूमिंग N2 एंड O2 गैसेस आर देयर, विच ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ एयर। कि हमारे पास एयर में मेजॉरिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है, उसको अपन ने एवरेज मोलिकुलर वेट कैलकुलेट किया तो 29 आया। अब अपने को पता करना है कि उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है बाय मास और बाय मोल। तो लेट टोटल मास जो है एयर का, टोटल मास ऑफ एयर जो है वो कितना है, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में हमारे पास क्या है, x ग्राम नाइट्रोजन है और 100 माइनस x ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला यदि लगाएं, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स, तो हमारे पास टोटल मास कितना दिया गया, 100 ग्राम इनिशियली जो था, टोटल मोल्स निकालने, तो यहाँ पर x ग्राम इसका मास है, तो इसकी मोल्स कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से इसको डिवाइड कर देंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है, हमारे पास N2 गैस है ये, और यहाँ पर O2 गैस है, तो इसे 14 से डिवाइड नहीं करेंगे आप, 28 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 100 माइनस x है, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, 32 ग्राम से, ये इनकी नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखें टोटल मोल्स कितने होंगे, x अपॉन 28 प्लस 100 माइनस x अपॉन 32। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल मोल्स का है, टोटल मास 100 ग्राम है, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर एवरेज मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 29। तो इसको अपन अब फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या होगा अपने पास, 100 बाई 29, ये 29 को इधर ले आए अपन, और यहाँ पर x अपॉन 28 प्लस 100 माइनस x अपॉन 32, इसको आप फर्दर कैलकुलेट करिए, तो 32x प्लस 2800 माइनस 28x डिवाइडेड बाई 28 इंटू 32। ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करते चलेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन सॉल्विंग फर्दर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 72.41। 72.41 हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज आ गया, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की 72.41 है। ठीक है, 72.41 बाय मास इसका परसेंटेज है। अब यदि 100 माइनस x करते हैं तो हमारे पास ये पोर्शन ऑक्सीजन का जाएगा, इसमें यदि अपन कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितने होंगे, तो 72.41 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे आप, तो अराउंड आएगा 2.54 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 100 माइनस 72.41 डिवाइडेड बाई 32, तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, 0.861 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यदि अपने को मोल परसेंटेज निकालना है, मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2.54 डिवाइडेड बाई 2.54 इंटू 0.861, जिसको कैलकुलेट करेंगे आप तो अराउंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 74.95%, जो कि नियरली हमारे पास 75% के बराबर है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर यदि मास परसेंटेज में देखें, 100 ग्राम में से 72.41 ग्राम नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये मोल्स के हिसाब से देखें तो 75% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी सेकंड और थर्ड करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1.15 ग्राम पर लीटर एट 740 mm ऑफ Hg एंड 300 केल्विन, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2 बाय वेट इन द एयर, यानी परसेंटेज वेट बाय वेट अपने पास नाइट्रोजन का क्या होगा ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को गिवन क्या क्या है,
हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पर दी हुई है 1.15 ग्राम पर लीटर, यहाँ पर हमारे पास 740 mm ऑफ Hg प्रेशर दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होता है 760, यानी 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे पास होता है 760 mm ऑफ Hg। अब यदि इसको आपको क्या करना है एटमोस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो 740 आउट ऑफ 760 आपको डिवाइड करना होगा, इससे हमारे पास ये किस में आ जाएगी वैल्यू, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगी। टेम्परेचर हमारे पास क्या दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर अपन PV इज इक्वल टू NRT लगाएं, जिससे डेंसिटी का एक्सप्रेशन अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसे मास डिवाइडेड बाई मोलर मास से डिनोट कर सकते हैं RT। अब हमारे पास क्या है प्रेशर इधर रहने दे और ये मास के नीचे वॉल्यूम ले आए, और हमारे पास 1/mRT। अब ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी का एक्सप्रेशन इससे आ जाएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा PmRT, जहां P क्या है प्रेशर, M क्या है मोलर मास, R और T गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेंसिटी अपन ने निकाली और ये वैल्यूज अपन पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डेंसिटी हमारे पास क्या है 1.15 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। इसी के साथ प्रेशर हमारे पास कितना गया एटमोस्फेरिक प्रेशर में चाहिए अपने को, तो 740 आउट ऑफ 760। मोलर मास अपन कैलकुलेट करेंगे, तो मोलर मास यहाँ पर एम ही रह जाएगा, आर की वैल्यू क्या होगी एटमोस्फेरिक प्रेशर और लीटर में 0.0821, और टेम्परेचर अपने पास 300 केल्विन दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 29.09, ये हमारा मोलर मास हो गया, ठीक है। इस मोलर मास के केस के बाद में अब आपने पास देखें कि इस मोलर मास में हमारे पास नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है। लेट से अपने पास ये मोलर मास किसका होता है 1 मोल का, कि 1 मोल एयर का मास है ये, तो हमारे पास 1 मोल में लेट एक्स मोल एन टू एंड 1 माइनस एक्स मोल ओ टू प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो इसे मोलर मास को कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप 29.09, ठीक है। एक्स मोल है एन टू के, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एन टू का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 28 प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 32। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.7275। तो यदि हमारे पास 1 मोल एयर है तो उसमें से 0.7 मोल N2 होगा और रिमेनिंग O2 होगा। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ N2 निकालना है। तो ये परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब अपन वेट निकालना चाहते हैं तो वेट के लिए अपने पास क्या हो मोल्स डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट। तो हमारे पास एन टू के केस में अपन बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट एन टू ही होगा 0.7275 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अपने पास सॉल्यूशन क्या है एक तरीके से यहाँ पे एयर है, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही है, इसका ओवरऑल 29.09 है, मोल्स टोटल 1 है 29.09। इसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 70.02। तो N2 का वेट बाई वेट परसेंटेज कितना होगा 70.02%, जो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 30, एक गैसियस मिक्सचर है H2 एंड CO2, गैस कंटेन 66 मास परसेंटेज ऑफ CO2 कि लेट हमारे पास ये मिक्सचर जो है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास कितना है 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम में से 66% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो हमारे पास H2 और O2 में 66 ग्राम कितना हो जाएगा CO2 गैस, और इसके रिमेनिंग हमने पास 100 माइनस 66 यानी 34 ग्राम क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को वेपर डेंसिटी पता करनी है, तो वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है, हमारे पास वेपर डेंसिटी
मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास होता है। तो अपने को मोलर मास चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। तो सबसे पहले अपन इधर मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स ऑफ सीओ टू। मोल्स ऑफ सीओ टू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे 66 ग्राम। और सीओ टू का मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास आप निकालेंगे तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू टू, तो हमारे पास 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम इसका मोलर मास हो जाएगा। तो इसको 44 ग्राम से अपन डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 1.5 मोल। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास मोल्स ऑफ एच टू अपन कैलकुलेट करेंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितने मोल्स हो जाएंगे, 17 मोल्स हो जाएंगे। तो अपने पास हाइड्रोजन और इसके टोटल मोल्स मिल गए, टोटल मास भी दिया गया, तो अपन एवरेज मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं। तो एवरेज मोलर मास हमारे पास क्या होता है, एवरेज मोलर मास का होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100 ग्राम है। टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स अपन यहाँ पर 1.5 प्लस 17 ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 100 अपॉन 18.5 ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 5.40 ग्राम। तो हमारे पास एवरेज मोलर मास कितना आ रहा है, ये जो मोलर मास दिया गया 5.40 आ रहा है। तो वेपर डेंसिटी अपने को निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी ये मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो मोलर मास क्या दिया हुआ है, 5.40 बाई 2, जिससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7। ये यूनिटलेस होता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.